वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई के एग्जाम के बारे में। यानी जो लोग आईटीआई में फेल हो गए थे या जिनका जीरो मार्क्स था, उनको क्या था कि दोबारा एग्जाम देना था। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि चांस है कि मार्च में एग्जाम क्या होगा, लिया जाएगा। लेकिन अभी न्यू अप टू डेट कर दिया गया है, यानी अब जो आप लोग का एग्जाम होगा जो अप्रैल मंथ में होगा, ठीक है, 8 अप्रैल से आप लोग का एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो क्या है कि एग्जाम डेट तो आ गया है, उसके बाद टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल भी आ चुका है एग्जाम का। इसमें दो चीज लिखा है, लेटर में क्या लिखा है, एक लिखा है ओमार बेसिस, यानी क्या होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा और एग्जाम ऑनलाइन भी होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन किसको होगा और ऑनलाइन एग्जाम किसको होगा ये जानेंगे, यानी कौन लोग हैं जो कि ऑफलाइन एग्जाम देंगे और कौन लोग हैं जो कि ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ठीक है, तो सेशन 18 जो है, इसका 18 सेशन चलता अगस्त, सेशन अगस्त जो है, अगस्त सेशन 17, यानी अगस्त में बात की जाए तो सेशन जिसका 17-19 था, जिसका 2 साल का आईटीआई का था, 17-19 था उसका सेशन, तो जो 17 सेशन वाले हैं, अगस्त 17 वाले हैं, उनका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा। ठीक है, यानी जो एडमिशन आईटीआई में 17 में लिए हैं उनका क्या होगा, एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा। ठीक है, और जो लोग अगस्त 18 में, यानी सेशन 18 में जिनका है, जो लोग 18 में एडमिशन लिए थे, यानी जिनका सेशन 18 भी से, वो क्या करेंगे, वो एग्जाम ऑनलाइन देंगे। ठीक है, लेटर में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो सेशन 17 है उसका एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा और जो सेशन 18 है, यानी 18 बीच जिसका सेशन है उसका एग्जाम क्या होगा, सीबीटी होगा। ठीक है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी फॉर्म भराने का डेट नहीं आया है, एग्जाम डेट तो आ गया लेकिन फॉर्म भराने का डेट नहीं आया है। तो क्या है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला है, ग्रेस मार्क्स मिला है तो वो 1 सप्ताह अप टू डेट रिजल्ट हो जाएगा। यानी कुछ लोग क्या है कि ग्रेस मार्क्स देने के बाद पास हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए भी फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है। वो ग्रेस मार्क्स मिल करके जो लोग पास हो जाएंगे उनको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और जो लोग ग्रेस मार्क्स देने के बाद ही पास नहीं हो पाएंगे उनको क्या होगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो संभावना है कि जब एग्जाम डेट आ गया है तो आपका एग्जाम जो फॉर्म भराएगा, 1 सप्ताह के बाद तक क्या होगा, 1 सप्ताह तक में नोटिस आ जाएगा फॉर्म कब से भराया जाएगा। ठीक है, जो लोग फेल है, तो जो लोग फेल है ये कह दें कि ये जो बुक है, मतलब एशियन प्रकाशन का जो बुक है, उससे आप लोग तैयारी करें और एग्जाम अच्छे से दें ताकि अधिक से अधिक ज्यादा नंबर आ सके। ठीक है, और आईटीआई जो लोग हैं उनसे ये कहना है कि आईटीआई के सभी अप टू डेट जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तो आईटीआई से रिलेटेड जितना भी अप टू डेट होगा सभी चैनल के माध्यम से मिलेगा, या तो आईटीआई हो, आईटीआई का वैकेंसी हो, या तो कोई जॉब का वैकेंसी हो, या सीआईटीएस का वैकेंसी हो, सभी इस चैनल पे क्या होंगे, टाइम टू टाइम अप टू डेट कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग का जो था एग्जाम डेट का ज्यादा इंतजार था, तो आपका एग्जाम डेट आ गया, अप्रैल महीना में होगा। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और जो लोग ग्रेस मार्क्स देने पे पास हो जा रहे हैं तो उनको तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा और वो पास हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और कोई आईटीआई से रिलेटेड अप टू डेट आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से अप टू डेट कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।